उसी पैसे को लेने के लिए आज होड़ मचा हुआ है, क्योंकि कोई भी सामान जो तैयार होता है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेकर के देखा जाता है कि किसी भी सामान को तैयार करने में मैक्सिमम 30-40% का खर्च आता है। एक 10 रुपया में पेन जो मार्केट में बिकता है एक्चुअल में बनाने में उसको 3-4 रुपया कहीं खर्च उसका आता है, लेकिन 6 रुपया कहीं ना कहीं अगर 10 रुपया का खर्च किए मार्केट में तो 6 रुपया कहीं ना कहीं मिडिल मैन में जो चला जाता था। ये डिजाइन ही हुआ कि आम लोगों तक कैसे पहुंचे। और तो ये होता है 30-40 रुपये में जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में प्रॉफिट लेके यहां से छोड़ती है। ये सामान जब एक कस्टमर तक आता है तो कस्टमर तक आते हैं जिसे कीमत हो जाती है कम से कम 100 रुपये। जो 60 रुपया जो कहीं ना कहीं जो बीच के चैनल में बढ़ता था जिसमें आपका रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, CNF हो गया, आपका TV हो गया, आपका एड हो गया, तो कहा जाता है कि यहां से लेके यहां के बीच में ये 60% पैसा आपका कहीं ना कहीं चला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया गया कि एक्चुअल में देखा जाए तो एक कस्टमर ही मेन मतलब प्रचार करता है, लेकिन एक खर्चा और चर्चा ये दोनों कस्टमर ही करता है, लेकिन कस्टमर को कोई फायदा नहीं होता। कस्टमर को क्योंकि बहुत एक तो प्रोडक्ट के बीच में डुप्लीकेसी होने लगी, सामान बनते चला कुछ और कस्टमर कहते कुछ और हो गया, तेल में मिलावट होने लगा, तो हर चीज में कुछ ना कुछ मतलब क्वालिटी में गड़बड़ होने लगी, तो जो क्वालिटी उसको अच्छा नहीं मिल रहा था। आज मार्केट में देखिएगा बिस्लरी बेच रहा है तो उसी में नाम बदल के बेलसरी बेच रहा है, पार्ली जी आ रहा है तो उसी को थोड़ा सा नाम चेंज किया, पारे जी भी मार्केट के अंदर बिक रहा है उसी रेट में, तो एक तो क्वालिटी गड़बड़ मिलने लगा। तो कहा गया कि नहीं, अगर डायरेक्ट कंपनी रहेगी, कंपनी और कस्टमर रहेगा, तो यहाँ पे पहला चीज की क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, कोई मिलावट नहीं होगी, और दूसरी चीज यानी कस्टमर खर्चा करेगा तो उसको अच्छा सामान मिलेगा, और दूसरी चीज कि कस्टमर सामान का प्रचार भी करता है, अच्छे को अच्छे और खराब को खराब ही बोलता है। वही कस्टमर जाकर किसी डॉक्टर का प्रचार करता है, किसी टीचर का प्रचार करता है, किसी चाय वाले का प्रचार करता है, किसी समोसे वाले का प्रचार करता है, और यहाँ पे सामान अगर अच्छा मिलेगा और इसकी भी प्रचार करेगा तो उसको ये जो एडवर्टाइजमेंट पे जो प्रचार खर्च कर रहे थे, जो लोग फर्ज प्रचार कर रहे थे, यहाँ पे रियल प्रचार होगा, वो पैसा हम कस्टमर को ही वापस कर देंगे। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, क्योंकि TV पे जो एड आता है वो एक तरीके से लोग मतलब बिना यूज किए उस प्रचार को कर रहे हैं। आज अमिताभ बच्चन साहब आते हैं और बोलते हैं कि आप नवरत्न तेल लगाइए आपका टेंशन भाग जाएगा, आप बोरो प्लस लगाइए, लेकिन क्या उनकी वो खुद इस प्रोडक्ट को यूज करते होंगे कभी? नवरत्न तेल बोरो प्लस उनके घर में यूज होता होगा? नहीं यूज होता होगा। वो TVS गाड़ी के प्रचार करते हैं, TVS वो खुद चलाते होंगे, वो नहीं चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है कि नहीं, आप प्रोडक्ट आप पहले यूज करिए, फील करिए और तब लोगों को रिकमेंड करिए, तो ये रियल प्रचार होता है, यहाँ फेक वाला प्रचार नहीं होता है। यहाँ जो रियल प्रचार भी होगा वो पैसा हम उसे नहीं करा कर क्वालिटी बढ़िया रहेगा, हम कस्टमर को बेनिफिट भी देंगे। अब कस्टमर अपनी दुकान क्यों बदलेगा? दुकान बदलने के लिए उसके पास 5 रीजन होता है। पहला रीजन क्या होता है कि इसलिए बदलेगा कि पहले उसको क्वालिटी वाइज एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल क्वालिटी की कंपनी का प्रोडक्ट दे रही है। क्यों दुकान बदलेगा अपना? क्योंकि वहां पे सामान उसको बढ़िया कंपनी दे रही है। दूसरा फायदा कंपनी करती है कि उसको हम रेंज भी देंगे, क्योंकि क्वालिटी के लिए लोग कुछ विदेशी कंपनी में लोग पहले जाते थे, लेकिन वहां पे रेट लोगों से इतना ज्यादा लिया जाता था कि लोग फिर उसको रेगुलर यूज नहीं कर पाते थे, वहां पर रेंज भी नहीं मिलता था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम क्वालिटी भी बढ़िया देंगे, रेंज भी देंगे, यानी आज 12 कैटेगरी में मोदी केयर के पास लगभग 600 प्रोडक्ट है और इस साल ये रेंज बढ़कर कम से कम 1000 प्रोडक्ट का हो जाएगा। इस साल कम से कम 1000 प्रोडक्ट का रेंज हो जाएगा। तीसरा फायदा, कंपनी एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट आपको दे रही है। यानी एक कस्टमर आसानी से दुकान अपनी कब बदलेगा? जब उसको क्वालिटी भी मिले, उसको रेंज भी मिले और साथ में एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिले।
लेकिन मार्केट में कुछ इंटरनेशनल कंपनी जो क्वालिटी देती थी तो वहां पे 3 गुना 4 गुना प्राइस मतलब लोगों से वसूल हुई थी। मोदी की मार्केट रेट के आसपास ही उसको ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट कंपनी दे रही है, जो बाहरी कंपनी उसमें रेंज नहीं मिलता था, मोदी का रेंज भी बड़ा कर दिया अपना, यहाँ बड़वर प्राइस के ऊपर कंपनी दे रही है। चौथी चीज, कस्टमर को 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी यानी लिखित गारंटी लिख के कंपनी दे रही है कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आने पर वापसी गारंटी आपको हम देते हैं। पांचवी चीज क्या है कि एक यूजर के लिए एक ऐसा प्लान कंपनी डिजाइन की है कि आप अपना जो खर्चा करते थे बाहर में, आपके खर्चे में भी 50% तक आपको बचत आपका हो सकता है। तो जो हम मार्केट में पहले खर्चा करते कुछ भी रिटर्न नहीं आता था, अब डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर हम हो गए और हमारे खर्चे में भी हमको ये सारे बेनिफिट के अलावा जो हम खर्च करें उसमें से अगर 50% हमारा रिटर्न हो जाए, देख कैसा रहेगा, कस्टमर को फायदा है नहीं बेटा, फायदा है। चलिए अब कस्टमर को 50% कैसे उसको रिटर्न आता है, पहले हम खर्चा वाला प्रश्न को देखते हैं और तब आएंगे कि सामान से अगर संतुष्ट होगा तो चर्चा को करेगा ही करेगा, और चर्चा करेगा तो क्या होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और फिर बड़ा पैसा भी बनाएगा, वो बैलेंस लाइफ की तरफ चला जाएगा। लेकिन पहले हम आते हैं कि पहले उसके खर्चे में क्या, एक जो कस्टमर बिल्कुल शुरुआत करता है उसको पहले आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि दुकान क्यों बदलेंगे, चूंकि यहाँ पे ये सारी चीजें मिल रही है और तुम्हारे खर्चे में भी 50% तक बचत हो सकता है। कैसे बचत होगा तो उसका कैलकुलेशन करके लोगों को दिखा सकते हैं। जैसे कंपनी कहती है कि पहला पैगाम देते हैं कि कस्टमर मार्केट में सामान खरीदता था, मोदी के अंदर सामान लेगा तो उसको डिस्काउंट पे मिलेगा और अलग अलग प्रोडक्ट पे 10 से लेकर 20% तक उसको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे हमारा पेस्ट यूज करते हैं जो 75 रुपये का पेस्ट है और अगर अपना कंपनी का आप रजिस्टर्ड कस्टमर हो जाते हैं, आप अपनी आईडी बना लेते हैं और तब इस सामान को अगर आप लेते हैं तो 75 वाला पेस्ट कितने मिलता है आपको, 62 रुपये का, यानी लगभग 18% का आपका डिस्काउंट हो गया, 13 रुपये का आपका बचत हो गया। तो ये काउंटर पे ही उसका डिस्काउंट एक तरीके से हो जाता है। आप हमारे यहाँ 125 रुपये की चाय पत्ती है, उसको जब आप आईडी बना के लेते हैं तो आपको 99 मिलता है। हाँ, तो एक तो उस पे आपको 21% का उसको फायदा मिल रहा है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट देखा जाए 10 से लेकर 20% बीच में आपको डिस्काउंट मिलता था। हम 20 का लेकर चलते हैं ना, 10 मानते हैं ना 20 मानते हैं, कितना बीच के ले लेते हैं 15% एक एवरेज ले लेते हैं। चलिए जो 100 का सामान था आपको 85 रुपया मिलने लगा। अब दूसरा फायदा कंपनी का भी दूसरा फायदा देते हैं उसको हम कस्टमर को दुकान बदलने से, ये सब क्वालिटी तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरा फायदा उसको हम ऑफर के रूप में भी देते हैं कि अगर 1000 से ऊपर का सामान अपना लेता है, 1000 के मल्टीपल में सामान लेगा तो 10% उसको गिफ्ट में हम देंगे, क्योंकि कस्टमर दुकान में जाता है तो सोचता है कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट भी मिले। तो एक यूजर फ्रेंडली प्लान को बनाया गया है, एक कस्टमर को कैसे फायदा मिले, तो कंपनी कहती है अगर 1000 का सामान लिए हैं आपको 100 रुपया का कुछ ना कुछ आपको 10% वैल्यू कुछ ना कुछ गिफ्ट में आपको दे देंगे, अगर आप 2000 का सामान लिए हैं तो आपको 200 का मिल जाएगा, आप 3000 के लिए हैं तो 300 का मिल जाएगा, आप 5000 के लिए हैं तो 500 का सामान मिलेगा, यानी ये हर बार की खरीदारी पे 10% का प्रोडक्ट आपको मिलता है। और एक ऑफर को 2 बार आप ले सकते हैं, मान लेते हैं जो 2000 का ऑफर है वो आपको पसंद नहीं आ रहा, 1000 वाला 2 बार 2 बार 1000 का 2 को बिलिंग कर लीजिए, वो ऑफर आपको 2 बार मिल जाएगा, एक ऑफर को 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 15% आपको कंपनी आपको डिस्काउंट कर दी और 10% आपको कंपनी आपको फ्री सामान गिफ्ट में दे रही है, तो 15 और 10 कितना हो गया, यानी जो 100 रुपया का सामान था मोदी केयर में आपको कितने का पड़ रहा है अभी, 75 रुपये में। कस्टमर का तीसरा फायदा, कंपनी के कस्टमर का तीसरा फायदा कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जब उसको इस्तेमाल करता है, जब उसको पसंद आता है तो फिर वो बार बार उसको रिपीट करना चाहता है। हेलो, चलिए ज्यादा नहीं
दस मिनट समय हम और लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो अब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जब इस्तेमाल करता है, जब उसको पसंद आता है तो उसको बार बार वो यूज करना चाहता है। जैसे आप किसी सैलून में गए, एक बार बाल कटाए, आपको अच्छा पसंद आ गया, तो उसी सैलून में बार बार जाना आप पसंद करते हैं। तो आप प्रोडक्ट कुछ यूज किए, ट्राई किया, आपको पसंद आया, तो लगातार अगर यूज करिएगा तो कंपनी कस्टमर के लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है। और लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर क्या है कि अगर आप 2500 प्लस का प्रोडक्ट अपने घर का आप लेते हैं, ऐसे आप 1800 से भी लॉयल्टी शुरू हो जाती है, लेकिन 1800 से लेंगे तो उसमें 80% लॉयल्टी का फायदा मिलेगा, और 2500 या इसे ऊपर का लेंगे तो आपको 100% लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा। तो मान लेते हैं आप 2500 का सामान लेते हैं, या फिर 3000 का लेते हैं, या 4000 का लेते हैं, या 5000 का लेते हैं, आप जब ही आप 6 महीने लगातार आप खरीदारी करेंगे तो कंपनी कहती है कि 6 महीने का एवरेज निकाल करके और 7वें महीने में वो सामान आपको बिल्कुल हम फ्री में दे देंगे। मान लेते हैं कि आप 6 महीने का आपका एवरेज आ गया, 30,000 का सामान अपने घर में आप लिए, तो कंपनी इसको 6 से भाग देगी, यानी 6×5=30, यानी देखा जाए तो आपका एवरेज निकल गया 5,000, तो 7वें महीने में 5,000 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 3,000 का सामान अपने घर में आप ले रहे हैं, 3,000 के हिसाब से 6 महीने में 18,000 का सामान अपने घर में लिए, 6 से इसको भाग दिए, एवरेज निकल गया 3,000, यानी 3,000 के हिसाब से लिए तो 7वें महीने में कितने सामान फ्री मिल गया, 3,000 का। अब चूंकि ये सब सामान हर महीने यूज होने वाला चीज है, तेल हर महीने चाहिए, मसाला हर महीने चाहिए, चाय पत्ती हर महीने चाहिए, सर्फ हर महीने का नहीं खरीद के आता है, तो सुबह उठते हैं तो आज कंपनी का साबुन, पेस्ट, सर्फ, चाय पत्ती, मसाला, तेल, घी, कॉफी, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, अगर आप लिस्ट मारना शुरू कर दीजिएगा कंपनी के जो प्रोडक्ट आता है, लिस्ट मारना शुरू, क्या क्या सामान बाहर से खरीद के आता है, 3,000 में भी नहीं होगा, 5,000 रुपया कम से कम आपको लग जाएगा। लेकिन जब लिस्ट नहीं चेक कर तो लगता है क्या लें, क्या छोड़ें, क्या नहीं लें। लेकिन आप एक दिन लिस्ट चेक करिए उठा करके, तो आप टिक मारने लगे तो लगेगा अरे तो अभी तो 3,000-4,000 हो गया, अभी तो सामान कभी तो पूरा हुआ ही नहीं हमारा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक का भी आपको आ रहा है, आपको सप्लीमेंट भी आपका आ रहा है कहीं ना कहीं बाहर से, कहीं ना कहीं आपका मतलब बच्चे का प्रोडक्ट आप खरीद बाहर से खरीद रहे हैं, यहाँ तो हर लोगों के लिए यहाँ का प्रोडक्ट आपका है। तो ये आगे भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं 12 महीने, तो कंपनी कहती है कि 1 महीने का यहाँ फ्री मिला था, लेकिन जब 12 महीने आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 2 महीने का आपको और फ्री मिलेगा। तो 3,000 का ही अगर हर महीने आप ले रहे हैं, 3,000 का यहाँ मिल गया, और 12वां महीना प्लस कितने मिलेगा आपको, 6,000 का प्लस। यहाँ कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? 6,000 यहाँ मिला, 6,000 और 3,000 कितना हो गया, 9,000। तो सोचिए 3,000 के हिसाब से 12 महीने में 36,000 का सामान अपने घर में आप यूज किए, ये वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट, और उसमें से 9,000 का सामान कंपनी अपने तरफ से आपको फ्री दे दी, 9×36 यानी अगर परसेंटेज निकालें कितना परसेंट हो गया, 25%। तो सोचिए कि यहाँ डिस्काउंट और ऑफर मिला था 25%, यही सेम छूट मिल रहा था, थोड़ा सा सिस्टम से आप लेने लगे तो 25% आप और भी फायदे में, तो कितना हो गया, 50%। यानी कोई भी सामान आप मोदी केयर का यूज कर रहे हैं, आप सोचिए जो 75 रुपया का पेस्ट था आपको मिल रहा है 37 रुपया में, आप चाय पत्ती अगर 125-99 रुपया का है, वो चाय पत्ती एक तरीका आप रेगुलर यूजर है तो चाय पत्ती आपको समझिए कि 50 रुपया में आपको मिल रहा है, आप तेल जो 225 रुपया खरीद रहे हैं वो तेल आपको अगर आप लॉयल कस्टमर है तो आप समझिए कि आप 112 रुपया आपको पड़ रहा हो तेल का, और तेल ऐसा कि फिर आप 90% बीमारी से उसे तेल को बदल दिए तो 90% अपनी आप बीमारी को बचा सकते हैं। तो आधे दाम पे एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जो कंपनी कहती है कि आपके खर्चे में भी 50% हम बचत कर देंगे, आपके यूजर के लिए हम प्लान लेकर के आए हैं, और आप सही से आप रेगुलर यूजर रहिएगा तो आपको अपना 50% आपको ऐसे ही आपका बचत हो जाएगा, तो लॉयल्टी तक आते हैं तो 50% ऐसा ही बचत होगी। कंपनी कहती है कि चौथा फायदा कि जो सामान आप लेके आ रहे हैं उसके ऊपर आपको सब्सिडी भी हम देंगे, उसके ऊपर कैशबैक आपके अकाउंट में जाएगा। तो चौथा फायदा होता है कैशबैक के रूप में, सब्सिडी के रूप में, जो 7% से शुरू होता है
और 16% तक आपके अकाउंट में आपका ये जाएगा आपका। जैसे अब अलग अलग जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर अलग अलग आपको कंपनी आपको बीबी देती है, पॉइंट देती है। आप किसी में 60% है, किसी में 50% है, किसी में 40% है, किसी में 30% है, ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो आपका 50% आपका बीबी आपका वही जाता है। क्योंकि अगर आप कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं तो 60% बीबी मिलेगा, आप हेल्थ वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो 60% मिलेगा, एग्रीकल्चर यूज कर रहे हैं तो 60% मिलेगा, पर्सनल केयर यूज कर रहे हैं तो 50% मिलेगा, जनरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो 40% 30% आपको मिलेगा। ओवरऑल मिलाकर के 50% पॉइंट आपका हो जाता है। और कंपनी कहती है कि अब मान लेते हैं 3000 का सामान अपने घर में आप लेकर गया है, तो इस पे मान लेते हैं कि उस पे 1500 आपका पॉइंट बन गया, आपका बीबी बन गया। और कंपनी कहती है कि ये 27 बीबी होने से, 27 पॉइंट होने से आपका 7% कैशबैक आपका चालू हो जाता है, आपके अकाउंट में सब्सिडी चालू हो जाता है। एक पेस्ट हमारे यहाँ खरीदिएगा, 75 रुपये का पेस्ट है, 62 रुपये में जो आपको मिलता है, तो इस पे आपको 31 पॉइंट मिलता है। यानी पेस्ट भी खरीदेंगे तो 27 से ज्यादा हो गया, तो कंपनी कहती है कि इसका 7% यानी 31 से 7% लगभग 2 रुपया 10 पैसा 2 रुपये 20 पैसा जो भी कही है, ये आपके अकाउंट में आपका इसका सब्सिडी चला गया जो पेस्ट आप यूज किए उसका। अगर आप 3000 का सामान लिए थे तो 1500 पॉइंट बना, तो 1500 का 7% कितना हो जाएगा, 1500 का 7% यानी 105 रुपया। आप 3000 का सामान अपने घर में लेके आए तो 105 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। 100 रुपये से नीचे रहता है तो कमीशन और ट्रांसफर नहीं होता है, जिस दिन आपका जमा होते होते 1 महीने 2 महीने 3 महीने जैसे ही आपका 100 रुपये के ऊपर कमीशन हो जाएगा तो कंपनी 9 तारीख आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो 3000 का सामान आप खरीदे तो समझिए कि आपका तो ऐसे ही मतलब 1500 पॉइंट हो गया है, इसका 7% हो गया 105 रुपया, तो आपका 105 रुपया उसी महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और कंपनी करती है कि सामान आप चूंकि तो हर महीने कहीं ना खरीद काम यूज कर रहे हैं, लगातार यूज करते रहेंगे तो कमीशन भी मिलेगा, और धीरे धीरे इसको बोलते हैं APB, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। अब बहुत सारी कंपनी क्या करती थी कि आपको कमीशन तो दे दिया लेकिन ये पॉइंट आपको जुड़ते नहीं रहेगा, ये हर महीने खत्म होते जाएगा। बहुत सारी कंपनी में 1 महीना 2 महीने कैलेंडर मंथ का बिजनेस होता है, ये पॉइंट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, जुड़ता नहीं है। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं, आप जो यहाँ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये पॉइंट आपका जुड़ते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, और जुड़ते 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 कोई समय सीमा नहीं है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीना करते हुए जिस दिन आपका ये पॉइंट जुड़ते जुड़ते 8000 को क्रॉस कर जाएगा, 8000 प्लस हो जाएगा, तो कंपनी कहती है कि अब आपका 7% का सब्सिडी था ऊपर कर अब 10% हो जाएगा। यानी उतना ही खरीदारी पे 3000 खरीदारी और फिर से आप करते हैं, जहां 105 रुपये जा रहा था अब 1500 पॉइंट बना, इसका अब 10% यानी कितना हो गया, 150 रुपये आपके अकाउंट में जाने लगेगा। मार्केट में हम सामान खरीदते हैं तो आपको वहां पर धीरे धीरे हमारा दाम और बढ़ते जाता है, यहाँ पे कंपनी कहती है धीरे धीरे आपका और घटते चला जाएगा, तो आपका समझिए 10% सब्सिडी क्या आ गए, तो अब हर खरीदारी पे पेस्ट भी खरीद रहे हैं जहां 7% जा रहा था अब 10% उसको जमा होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 10 से फिर आपका 13 होगा, 13 से फिर आपका 15 होगा, 15 से फिर आपका 16 होगा, और 16% पे चले जाते हैं तो कंपनी का लेवल होता है डायरेक्टर, आप डायरेक्टर बन जाते हैं। और यहां कंपनी का कुछ क्वालिफिकेशन होता है, आप जब क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो कंपनी कहती है कि यहां पे आप कंपनी के टर्नओवर में आप शामिल हो जाते हैं, 4% कंपनी का जो पुल होता है उसमें आप आ जाते हैं। ये सारे इनकम के अलावा अब मान लेते हैं कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा, मान लेते हैं कंपनी का पिछले महीने 200 करोड़ का टर्नओवर हुआ, तो 200 करोड़ का कंपनी क्या करती है कि 4% निकालती है, यानी 8 करोड़ कंपनी ये निकाली, और इसको बोनस के रूप में जो जो लोग डायरेक्टर होते हैं क्वालिफाइड डायरेक्टर उसमें बोनस के रूप में कंपनी उसको मान देती है। तो यहां से आपकी इनकम, अब यहां से एक समझिए कि एक बढ़िया इनकम की यहां से शुरुआत जब आपकी होने शुरू हो जाती है, आप इस लेवल पे आसान से लोगों को 5000-10000 का एक पेड़ लग जाता है, एक पेंशन आपका सेट हो जाता है। अब इसको जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ये आपका बढ़ता चला जाएगा, तो कंपनी कहती है कि धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा। ये अभी तक जो इनकम है ये सिर्फ यूजर का प्लान है,
अभी तक किसी को आप चर्चा नहीं किए हैं, सिर्फ अपनी दुकान बदले हैं, अपने घर का सामान चेंज किए हैं, अब कंपनी का जिस प्रोडक्ट आप यूज किए अगर आपको अच्छा लगा तो अब इसको कुछ लोगों में आप चर्चा करते हैं, चर्चा वाला में आते हैं, तो चर्चा में आएंगे तो क्या होगा, आपकी टीम बनेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और यहां से फिर आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आप खर्चा कर रहे थे तो आपका बचत हो रहा था, लेकिन चर्चा करेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे। खर्चा में 50% कैसे आपका बचत होता है, आप लोगों को कैलकुलेट भी करके दिखा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि जो 3000 का सामान आप लेकर के आए एमआरपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका कीमत होना चाहिए था 3600 रुपया, जो आपका रजिस्ट्रेशन कराने से कंपनी आपको जो डिस्काउंट दे रही है 10-20% डिस्काउंट के बाद आपको ये मिल रहा है 3000 का, यानी समझिए कि 600 रुपया हर महीने जो लोग रिटेल करते हैं 600 रुपया हर उनको फायदा हो जाता है, और कुछ लोग कंज्यूम करते हैं 600 रुपया उनका बचत होता है। तो ये मान लेते हैं कि आप 600 रुपया हर महीने बचा रहे हैं, एक साल का आपको कैलकुलेशन हम दिखाते हैं, अगर 600 रुपया बचा रहे हैं तो 12 महीने में आप कितना बचत कर लिए अपना 1200 रुपया, यानी जो पहला इनकम हम बताए थे डिस्काउंट के रूप में, यानी 1200 रुपया अपना बचत कर लिए सिर्फ दुकान बदल कर, अच्छा सामान खाते हुए। दूसरा फायदा हम बताए थे आपको कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑफर मिलेगा 10% का, यानी 3000 का सामान आप खरीदे हैं, 3000 का जो सामान आप खरीदे, 3000 का सामान खरीदने पे उसमें आपको 1500 पॉइंट मिलेगा, तो नहीं 3000 का आपको 10% का ऑफर मिलेगा, यानी 300 रुपया आपको ऑफर के रूप में हर महीने मिलेगा। तो 300 रुपया ऑफर में मिला तो 12 महीने में कितना हो गया 3600 रुपया, ऑफर का फायदा लीजिए 3600 रुपया साल भर में आप। तीसरा इनकम हम बताए थे कि आपको लॉयल्टी का फायदा मिलेगा, 3000 की लॉयल्टी चला रहे हैं तो आपको 3000 की लॉयल्टी चला रहे हैं तो छठे महीने के बाद 3000 का और 12वें महीने में फिर आपको 6000 का, टोटल कितना फायदा मिल रहा था 9000 का, तो 3000 की लॉयल्टी अपनी चला रहे हैं तो तीसरा फायदा हम बताए थे आपको लॉयल्टी का, ये आपको मिल गया 9000 रुपया। और चौथा फायदा हमने बताया था कि आपका कैश 7-16%, चलिए हम ना 7 लेते हैं ना 16 लेते हैं, 10% ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर 10% ही मान लें तो आपका 3000 का सामान खरीदते तो 3000 का 10% कितना हो जाएगा 300 रुपया, तो 300 रुपया आपका कैशबैक के रूप में हो गया अकाउंट में जो जाएगा, और 12 महीने में कितना हो जाएगा 3600 रुपया आपका ये हो गया, 3600 रुपया आपके अकाउंट में चला गया। अब इसको टोटल आप जोड़ दीजिएगा 7200, 3600, 9000 और 3600, आपका ये होता है 21400 रुपया। आप 3000 के हिसाब से 12 महीने में कितने खर्चा किए थे टोटल 36000, उसमें से आपका कंपनी रिटर्न कितना कर दिया 21400। तो 50% से ज्यादा आपका तो रिटर्न हो गया, सामान सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा, टीम बनाया काम कर रही टीम की रही है, सेल्फ परचेज है, अपना आप सिर्फ लॉयल्टी प्रोग्राम अगर चला रहे हैं तो अपना 50% से ज्यादा बचत तो खुद हम अपने 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 ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी यूजर का प्लान कहती है कि 50% ऐसे ही बचत हो जाएगा। अब आते हैं कि चर्चा वाला पोर्शन पे कि आपकी अगर टीम अगर बनाते हैं आप तो उससे क्या फायदा मिलेगा। आप प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं, आप कुछ लोगों से चर्चा करते हैं तो चर्चा करिए तो क्या होगा, आपकी टीम बनेगी, अब टीम बनाने के लिए कंपनी कहती है कि अगर आप चर्चा में आते हैं तो फिर आप थोड़ा तरीके से करिए। अभी एक चल रहा है हम लोग 4x4 का स्ट्रक्चर, अगर 4x4 का स्ट्रक्चर में अगर आप आते हैं तो उसमें क्या करना होगा कि कहा जाता है कि जैसे कि कंपनी का होता है कि
सबसे पहले अगर सीरियस बिजनेस तरह से करना चाहते हैं, इसमें शुरुआत लोग दो तरीके से करते हैं, एक यूजर के रूप में जो सिंपल शुरुआत होती है, और कुछ लोग आते हैं जो एक सीरियस बिजनेस में तरह सोचते हैं, एक प्रमोटर की तरह शुरू करते हैं। सीरियस जो लोग हैं उनके पास अपना एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, क्योंकि सामान आपके पास 10,000 कम से कम 15,000 के पास स्टोर रहना चाहिए, ताकि हम किसी को प्रोडक्ट हम बताए अगर पूछ दिया कहाँ से मिलेगा तो अपने पास नहीं उसको सामान दे सके। तो जो सीरियस लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जो अपनी एक मैजिक कॉर्नर स्टार्टअप के अंदर कि अपने घर पे एक मैजिक कॉर्नर लगाइए, यानी घर की दुकान उसको बोला जाता है कि 10,000 का सामान लेकर के आइए, आप घर पे अपना लगाइए, और एक दिन सीनियर को बुला करके आप ऑर्डर को इन्वाइट करिए, सीनियर को बुला करके उसकी ओपनिंग कराइए। जब वहाँ सीनियर जाते हैं 8-10 मिनट पर डेमो दिखाया जाता है, सामान भी आपका निकल जाता है, आपके लोगों की आईडी बन जाती है और आपका बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अगर चर्चा वाला प्रश्न में आते हैं, अभी कंपनी का सिस्टम क्या चल रहा है, जो सीरियस लोग हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आप अगर 10,000-12,000 नहीं भी लगा सकते हैं तो कम से कम 5,000-6,000 का प्रोडक्ट जरूर अपना लीजिए, इससे आपका लॉयल्टी भी बढ़ जाएगा। 5,000 ले रहे हैं तो 5,000 तो आपका लॉयल्टी चलेगा, तो 6 महीने में 5,000 फ्री मिल जाएगा, यानी साल में 15,000 फ्री उठा लीजिएगा। यानी इसको बोलते हैं 100 PV क्लब, यानी आप 5,000 का सामान लिए तो आप 100 PV आपका हो गया, और अपने नीचे आप क्या करिए कि मतलब ये 4 ऐसे लोगों को ढूंढिए इस लाइन का, हो सकता है कि और भी लोग आपको मिल जाए जो 100 का लेगा, कोई 1,000 का लेगा, कोई 2,000 का लेगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपके नीचे 4 ऐसे लोग मिले जो 100-100 PV करने वाले वो भी मतलब शामिल हो जाए। तो 100 PV आप अपना कर रहे हैं और 100 PV ये लोग कर रहे हैं, तो 4 लोगों का इनका हुआ, 4 एक मिला कितना हो गया, ये 5 लोग, यानी कितना PV हो गया आपका, ये 500 PV हो गया। और कंपनी कहती है कि ये 4 लोग भी अपना फिर 4-4 अगर कर लिए तो आपका 2100 PV का आपका बिजनेस हो जाता है, और एक स्टेप पे इसको और इसको आप डुप्लीकेट कर दिए तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं। जो कंपनी का जो बताया गया कि आपका चाहिए ये 16% में जाने के लिए, तो ये आप सिर्फ 4 लोगों को लेकर के आए, इस 4 लोगों को लाने के लिए क्या करते हैं कि आप इसको 5,000-10,000 का सामान रख करके आप एक मीटिंग कराते हैं 10 लोगों को इन्वाइट करा करके, जब डेमो दिखा करता है तो उसी में से 4-5 लोग उसी हिसाब से तैयार हो जाएंगे, अब वही सिलसिला इन 4 लोगों के घर पे भी आप कर देते हैं, ये 16 लोगों की हो जाती है। और ये 16 लोग डुप्लीकेट कर दें तो सुनिए 16×4 कर दीजिए, और 4 स्टेट पे जाते जाते आपकी बिजनेस जो होती है वो आप डायरेक्टर बन जाते हैं। और यहां जाने के बाद समझिए कि आपका कम से कम 5-10,000 रुपए का एक पेंशन आपकी सेट हो जाती है। तो ये चर्चा वाला प्रश्न में जाएंगे तो कंपनी कहती है जब आप डायरेक्टर बनेंगे तो आपको 4% का बोनस मिलेगा, और जिस दिन आपके नीचे से कोई ना कोई लोग 16% पर पहुंच जाएंगे तो आप सीनियर डायरेक्टर बनेंगे तो आपको 3% का। चर्चा वाले में अगर आते हैं तो एक आदमी का सपना भी पूरा होना शुरू होता है। हर आदमी का सपना होता है कि देश विदेश घूमने का मौका मिले, एक अच्छा सा गाड़ी ले सके, अच्छा सा घर बनाए, मतलब उसके उसका ड्रीम होता है। तो आप चर्चा वाला में आएंगे टीम बनाएंगे तो आपके ड्रीम भी पूरा होंगे। 3% को आपकी फंड देती है ट्रेवल फंड के रूप में, जिसे आप देश विदेश कंपनी आपको घुमाएगी। कंपनी आपको 5% का फंड देती है कार फंड के रूप में, जिसे आप गाड़ी लेते हैं, और इस कार फंड में अपर लिमिट है कि 1,00,000 रुपया तक जाएगा आपका, शुरुआत फंड से होती है लेकिन आगे 1,00,000 रुपया हर महीने लाइफ टाइम ले सकते हैं इस फंड में। और बहुत सारे जो आज सीनियर लोग हम लोग जो आज BMW मर्सिडीज लैंड रोवर जो चला रहे हैं उनका फंड 1,00,000 पहुंच गया है, वो हर महीने वो 10,00,000-15,00,000 में इनकम आता है अलग, उसके अलावा 1,00,000 रुपया उनको सिर्फ गाड़ी के लिए कंपनी देती है अलग से। और हाउस फंड में जब जाते हैं आप 3% का वो भी फंड कंपनी रखी है, उसमें जाने के बाद कंपनी कहती है कि 1,20,000 रुपया तक घर के लिए आपको अलग से पैसा हम देते हैं, ताकि लोग जो करोड़ों का लोग घर ले रहे हैं उसमें उनका हाउस फंड में घुसने के बाद ताकि उनका 1,20,000 रुपया हर महीना तो समझिए कि वो कंपनी से उनका फंड उनको आ रहा है। तो ये चर्चा वाले प्रश्न में जाने के बाद ये सारी चीजें आपके धीरे धीरे आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका अब हमें देखना है कि
इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम जो काम, कहा जाता है कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो हमको मिलते चला रहा है। कुछ अगर हम रिजल्ट बदलना चाहते हैं तो तरीका भी तो बदलना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर फल बदलना चाहते हैं तो जड़ को तो पहले बदलना पड़ेगा तभी फल बदलेगा। तो अगर फ्रूट को बदलना चाहते हैं तो रूट को बदलना पड़ेगा। और एक बिजनेस मौका देता है कि 5 साल अगर कोई भी आदमी अगर तरीके से काम कर ले तो इन सारे चीजों को मजा वो यहाँ से वो ले सकता है। लेकिन तरीका क्या है काम करने का? तो जो सीरियस लोग होते हैं, एक यूजर जो आता है वो जैसे करे वैसे सिर्फ वो अपना बचत करने के लिए है। लेकिन जिस दिन हम सोचते हैं कि हमको यहाँ से आपके सारी चीजों का सपना भी पूरा करना है, तो तरीका बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको अपने घर पे एक मैजिक कॉर्नर से शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी अपने घर पे कहा जाता है कि अंडा अगर खाना है तो 4 पीस लेके आएंगे, और अंडे का बिजनेस करना है तो कम से कम 4 ट्रे रखेंगे हम, उसके बगैर काम चलेगा। उस तरह से मोदी का अगर बिजनेस करना है तो हमारे पास कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। और प्रोडक्ट हम लेकर के आएंगे, इसको बोलेंगे घर की दुकान। अपने घर पे दुकान में मकान में कहीं भी हम इसको 10,000 टेबल पे कहीं भी 10,000 प्रोडक्ट सजा देंगे। और सजाने के बाद तब होता है कि हम सीनियर से टाइम लेंगे और उनसे मतलब लोगों को अपने 8-10 लोगों को 20 लोगों को जो भी पॉसिबल हो लोगों को इन्वाइट करेंगे। भाई पहले से जो हमारा काम चल रहा हो चल ही रहा है, एक नया काम हम घर से शुरुआत किए हैं जिसमें बिना पैसे लगाए एक बहुत बढ़िया अपने इनकम बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, लगता है कि जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए अगर सारे सपने पूरे हो सकते हैं तब तक रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है कि भैया कहीं ना कहीं वो सपना हमारा देश विदेश घूमने का या बड़ी गाड़ी का हमारा जो ड्रीम है वो नहीं पूरा होता दिख रहा है, तो ये बिजनेस में पावर है कि अगले 5-7 साल में आपको सब सारा सपना आपका पूरा करा देगा। लेकिन वो काम करते रहेंगे साधु 5 साल बाद भी हम जहाँ थे फिर वहीं हम रहेंगे। तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि मैजिक कॉर्नर अपनी बनाए हम उस प्रोडक्ट लिए, सीनियर को बुलाए, 10 लोगों को इन्वाइट किए। अब ये लोग जो बैठे हैं सीनियर जाते हैं और 8-10 प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाया जाता है, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि आप अगर अपना आधार कार्ड दे दीजिएगा तो MRP के बजाय आपको DP पे सामान मिलना शुरू हो जाएगा। आप पेस्ट 75 में लेना चाहते हैं कि 62 में लेना चाहते हैं, तो भैया कोई भी कहेगा कि 62 में लेना चाहेंगे, हम 75 में क्यों लेना चाहेंगे? तो उसके लिए अपना आधार कार्ड दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, आपकी ID बन जाएगी। अब आपके नीचे लोगों की ID बन गई। अब फायदा क्या हुआ कि आप 10% के लेवल पे हैं और ये लोग सब लोग ये 3-3% ये 7% वाले लोग हैं, तो अपनी खरीदारी का 10% आपको मिल ही गया था। और ये लोग 67% वाले हैं, इन लोगों की खरीदारी से भी सबसे 3-3% का फायदा आपको मिलता चला जाएगा। यानी आपने चर्चा की है तो चर्चा करने के बाद में भी आपको बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो गया। लेकिन आप भी 7% में और नीचे वाला भी 7% में है, तो अपनी खरीदारी का 7% आप ले जाएंगे लेकिन नीचे वाला का फायदा भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक मैजिक कॉर्नर बनाकर सीधे 10% पे आप चले जाते हैं तो समझिए कि आपको ये शुरू से ही आपका इनकम शुरू हो जाता है। और जिस दिन सोचिए आपका 10%, जिस दिन आप 16% पे चले जाते हैं, इसमें तेजी से आप 16% पे भी चले जाएंगे। अब 16% पे चले जाते हैं तो सोचिए 7% वाले लोग इतना भी अपना सामान अपने घर में यूज कर रहे हैं, तो 7% वाले से आपको अपनी खरीदारी का 16% अकाउंट में जा रहा है, ये अपनी खरीदारी का 7% ले जा रहे हैं, लेकिन इनके खरीदारी से भी आपको 9% का फायदा मिल रहा है। यानी आपके नीचे एक ऐसा दुकान खुला, इस दुकान का जो भी टर्नओवर हो रहा है उसका 9% फायदा आपको भी हो रहा है। एक आदमी को ज्वाइन करा रहा है मतलब आपके नीचे एक दुकान खोल रहा है, वहां से जो भी टर्नओवर होगा 7% लेके जाएगा लेकिन उससे भी आपको 9% का फायदा आएगा। और ऐसे आपके जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से खरीद के अपने घरों में यूज कर रहे हैं, वही केमिकल वाला मिलावट वाला सामान यूज कर रहे हैं, तो बाहर से खरीद के यूज कर रहे हैं तो उससे आपको क्या फायदा मिल रहा है? कुछ फायदा मिल रहा है, लेकिन सिर्फ उनको आप एक सलाह दिए कि भैया बिना पूंजी लगाए बिना पैसा लगाए आधार कार्ड देकर जुड़ जाइए, जो बाहर से यूज करते थे पर इसको यूज करके देखिए, अच्छा लगे तो लगातार यूज करिए, नहीं अच्छा लगे तो फिर मार्केट वाला तो खुला हुआ है वो तो बरसों से यूज करते आ रहे हैं, सिर्फ दुकान बदलने से। और ये चीज अगर आप नहीं बताइएगा तो आपके सर्कल वाले लोगों को कोई ना कोई जाकर बताएगा ही बताएगा।
क्योंकि मोदी केयर में 3 लाख लोग हर महीने आज जुड़ रहे हैं। अगर हम अपने लोगों को नहीं बता रहे हैं तो हमारे ही लोगों को कोई ना कोई दूसरे को जाकर बताएगा, और कल की डेट में वो आदमी अगर कुछ बड़ा कर लेता है तो फिर अफसोस होगा कि अरे भैया उस आदमी तो हमारे भी लिस्ट में था, खास उसको बताया होता अगर हमारे टीम में अगर होता तो जो सारा फायदा है हमको मिलता। तो यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है कि सिस्टम से काम करने के लिए आपके पास एक मैजिक कॉर्नर होनी चाहिए, दूसरा कि आपके पास एक डेमो किट भी धीरे धीरे आपको बनाना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि अपने फीलिंग्स को अगर डेमो के माध्यम से शेयर करिएगा तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप बोलिएगा तो उसको उतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन जब उसको चेंज होते हुए दिखाइएगा। आप लोग प्रॉपर डेमो देखे हैं कभी? नहीं देखे हैं आप सब? नहीं देखे हैं। जब डेमो ही देखे तो आपको डेमो क्या समझ में आएगा कि अभी डेमो का क्या पावर है मोदी केयर के अंदर, क्यों दुकान बदले, ऐसे आपको समझाने में मेहनत लग सकता है, लेकिन डेमो देखने के बाद तो अति मेहनत नहीं लगेगा। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो डेमो से लोगों से शुरुआत करते हैं, क्या क्यों दुकान आखिर क्यों बदलिएगा, मार्केट में पेस्ट मिल ही रहा है, मार्केट में साबुन मिल ही रहा है, मार्केट में चाय पत्ती मिल ही रहा है, लेकिन मार्केट की वजह हमारा आपको सामान क्यों आखिर लीजिएगा। क्योंकि जब लोगों को अंतर पता चलता है कि मार्केट वाला कैसे हमको हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे बढ़िया है, तो फिर तब उसके बाद लोग यहाँ पे मतलब दुकान बदलने के लोग मजबूर हो जाते हैं। तो डेमो फायदा लॉस हानि हानि इसमें क्या है बारे में प्रोडक्शन ऐसे फायदा क्या है देखने के बाद ही पता चलेगा, देखने के बाद पता चलेगा। हाँ फर्क नजर आएगा दोनों में क्या फर्क, दोनों में क्या फर्क है। तो चलिए हम आगे आगे के टॉपिक पे हम लोग आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आपके पास डेमो उपलब्ध है? ठीक, डेमो के फॉर्म में गार्डन कर देते हैं, आप अभी पे सजा कर रखते हैं उसको। चलिए इस पेस्ट में थोड़ा थोड़ा आप इस पेस्ट निकालिए। बीच में सेंटर में निकालिए। गिलास भी था इसमें, आप में गिलास नहीं है? नहीं, तो फ्रेश गिलास से इसको यूज करते हैं। एक तरीके का ये अवेयरनेस का काम है, लोगों में जागरूकता फैलाना है। भैया पैसा तो कहीं ना कहीं कस्टमर खर्च कर ही रहा है, लेकिन पैसा खर्च करके पहले हम लोग मतलब एक केमिकल मिलावट वाला सामान लेके अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं, इसी शरीर को ठीक करने के लिए फिर डॉक्टर के यहाँ जाकर पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं। एक तरीके की जागरूकता के काम है, और उसमें है कि जब सामने ही दिखेगा तब लोगों को ज़्यादा बिलीव होता है कि आखिर हम क्यों बदलें अपने प्रोडक्ट को, मार्केट वाले में और यहाँ पर क्या अंतर है। जैसे आपके सामने एक पहला डेमो हम लोग शुरू करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो पहले ब्रश हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मार्केट का कोई ना कोई पेस्ट घरों में खरीद के आता है, कुछ लोग कॉलगेट यूज करते हैं, कुछ लोग पेप्सोडेंट यूज करते हैं, कुछ लोग आपका दंत कांति यूज करते हैं, कुछ लोग अच्छे क्वालिटी का पेस्ट चाहिए थे कॉलगेट का ही बनाया हुआ विजुअल वाइट आता है जो महंगा होता है, इसीलिए आम आदमी नहीं यूज कर पाता है। हम लोग जानते हैं कि सेंसोडाइन
जो दांत में कुछ ठंडा गर्म लगने लगता है, परेशानी होती है, तो डॉक्टर खुद लिखता है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि सेंसोडाइन लगा, ये ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा। लेकिन महंगा होने के चलते रेगुलर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये मोदी केयर का पेस्ट है। इतने सारे पेस्ट के बीच में लोगों को हमको बताना है कि आपके घर में कहीं ना कहीं खरीद के आता है, लेकिन ये बीमारी है। हम चाहते हैं कि दांत का प्रॉब्लम नहीं हो और लंबे समय तक सही रहें। इसके जगह पे जो पैसा जो खर्च करते थे वो मोदी केयर का एक बार यूज करके देखी। लोग कहेगा कि इसमें क्या खासियत है, तो होता है कि जब हम लोग ब्रश करने जाते हैं, देखिएगा कि लार तो बनते रहता है मुंह में, कितना भी कुला कर लीजिए, लेकिन झाग के साथ मिलकर कुछ ना कुछ इसका लार का अंश, मतलब लार के थ्रू मिलकर पेट में भी इसका अंश इसका चला जाता है। और बच्चा लोग तो बच्चा लोग तो बहुत सारा पेस्ट निकल भी जाता है। तो जो पेस्ट में ज्यादा केमिकल रहता है हमारे दांतों को भी नुकसान पहुंचाता है और पेट में जाता है तो हमारे आंतों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो एक कैसे पता चलेगा कि कौन पेस्ट हमारे लिए सही है, कौन नुकसान करेगा? तो चूंकि खाना पचाने के लिए हमारे पेट में अम्ल होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब पेट के अंदर तो क्या रिएक्शन करेगा हम लोग झांक के नहीं देख पाते हैं, लेकिन कोई भी अम्ल लेकर के जब उसमें डालेंगे तो देखिएगा जिसमें ज्यादा अगर वो उसका मात्रा रहेगा तो देखिएगा उसमें वो रिएक्शन करने लगेगा, जो जो सही रहेगा वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा। थोड़ा सा हम ये मार्केट का आम्ल है, ये मार्केट का डाइल्यूट HCl है। आप हार्पिक घर में यूज करते हैं उसका भी एक दो बूंद डाल के चेक कर सकते हैं। इसका एक दो बूंद इसमें हम डालते हैं, जैसे ये आपका कोलगेट हो गया, देखते हैं इस पे क्या असर होता है। ये पेप्सोडेंट हो गया, ये आपका दंत कांति हो गया, ये आपका विजुअल वाइट हो गया, ये आपका सेंसोडाइन हो गया, और ये मोदी केयर का पेस्ट हो गया। क्या अंतर है सर? थोड़ा सा आगे झुक के देखिए इसको। इधर का जो ये इस तीनों पेस्ट पर कोई इसका रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये भी कोलगेट ही है, ये भी कोलगेट ही है, लेकिन ये देखिए क्या हुआ पूरी तरह से। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पान गुटखा मसाला दारू आज तक कुछ भी नहीं किए, फिर भी उनको पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं और जहर भी लाकर शरीर के अंदर डाल रहे हैं। अगर इसे बचना चाहते हैं तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब मार्केट में भी बढ़िया पेस्ट है, लेकिन कॉस्टली होने के चलते आम आदमी यूज नहीं करता है। चूंकि ये 50 ग्राम का पेस्ट है, इसकी कीमत है आपका 70 रुपया, और 100 ग्राम का लेंगे तो होगी 140 रुपया। ये आपका 50 ग्राम की कीमत इसका है 68 रुपया, 75 रुपया, यानी 150 के आसपास इसका भी 100 ग्राम का आता है। अब 100 रुपये से ऊपर का पेस्ट जनरली हम यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बढ़िया पेस्ट रहने। ये सिर्फ इंडिया में ही बिकता है, लेकिन ये पूरे इंटरनेशनल में बिकता है। लेकिन 140 रुपये, 150 रुपये इसका 100 ग्राम का पेस्ट आता है, तो आदमी 150 रुपये का पेस्ट यूज नहीं कर पाता है। और मोदी क्या कहता है कि हम इंडियन कंपनी है, हम क्वालिटी इंटरनेशनल देंगे, लेकिन रेट बिल्कुल मार्केट वाला देंगे। और ये जो क्वालिटी सब का है उसी क्वालिटी इसका भी है, लेकिन इस कंपनी इसको इसका दाम रखी है सिर्फ 75 रुपये, 60-70 रुपये। मतलब ऐसे भी मार्केट का हम लोग सामान कहीं ना कहीं मतलब 100 ग्राम का सब मतलब खरीद के लेके आते हैं मार्केट से। और कंपनी का आप आधार कार्ड देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए तो आपको ये मिलेगा 62 रुपये का, और आप लॉयल कस्टमर बन गए तो आपको ये पड़ेगा 37 रुपये का। तो देखा जाए तो मार्केट से भी हम आधे रेट में और क्वालिटी वर्ल्ड क्लास यूज कर रहे हैं, और ऐसा रेट है कि हर घर में और हर लोग यूज कर सकता है। लेकिन इस पेस्ट को शायद हर घर में आप नहीं देखेंगे, क्योंकि 150 का पेस्ट 100 ग्राम का लोग जल्दी यूज नहीं कर पाता है। लेकिन 100 रुपये से नीचे कंपनी आपको दे रही है बेहतर, प्लस इस पर आपको सब्सिडी अकाउंट में जाएगा, वो अलग जाएगा। तो अगर डेमो उनको दिखाया जाए लोगों को, तो इस पेस्ट को लोग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? डेमो दिखाना जरूरी है, प्लस कंपनी गारंटी भी देती है, जिसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है मोदी केयर, समीर मोदी का नाम है, सिग्नेचर है। और कंपनी कहती है कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इन किसी पर गारंटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ कंपनी लिखती है कि प्रोडक्ट को ले जाइए, आप एक महीने का समय देते हैं, 25% अगर आप यूज भी कर लिए हैं और क्वालिटी नहीं पसंद है आपको है तो इसको वापस करिए, पूरा पैसा आपका हम रिफंड कर देंगे। लेकिन ये सब कंपनी क्या सील खुलने के बाद वापसी गारंटी देता है? नहीं देता।
लेकिन यहाँ कंपनी कहती है कि हम 25% यूज करने के बाद भी वापसी गारंटी आपको देते हैं। तो क्वालिटी भी बढ़िया मिल रहा है, प्राइस भी अफोर्डेबल है, और कंपनी आपको मतलब सिस्टम में आने के बाद आपका 50% तक बचत भी आपका हो जाता है। तो अगर हमको बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम क्यों इसको मार्केट वाला केमिकल मिलावट वाला क्यों यूज करें, मोदी केयर क्यों यूज करें। और हर प्रोडक्ट का इसका डेमो है, जो डेमो के जरिए आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट आपको और दिखाते हैं, हमारे पास साबुन हम साबुन खुला हुआ मेरे पास है। अब एक ये डब है आपका, इसमें से निकाले हुए हैं हम, ठीक है, जो आज महिलाओं का पसंदीदा साबुन है। टीवी पर ऐड आता है, लोग देख के खरीदते हैं हमारे घर में, और डब मानता है लोग बढ़िया साबुन है। और एक मोदी केयर का भी साबुन आता है जो सॉफ्ट वॉश के नाम से आता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि डब की जगह में अगर डब से भी हमको कम रेट में मिले और इसे बढ़िया काम करे तो इसको हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। 75 ग्राम की डब की कीमत हो गया अभी 55 रुपये, 75 ग्राम की डब की कीमत हो गया 55 रुपये, और 75 ग्राम का हमारा साबुन आता है ये आपको 43 रुपये पड़ता है, यानी इससे आपको 10 रुपये सस्ता ही है। और ये 3 काम करता है, चूँकि इसमें मॉइस्चराइजर भी रहता है, डिओड्राइजर भी रहता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठंडा गर्मी बरसात तीनों मौसम यूज किया जा सकता है, लेकिन ये जनरली कंपनी बनाती है मॉइस्चराइजर सोप लिख करके, सिर्फ ठंडे के लिए बनाती है। गर्मी लगाइए साबुन तो बड़ा यूज है, साबुन यूज कर रहा है और प्रोडक्ट साउंड बहुत अच्छा लगा। अभी हर प्रोडक्ट सर खासियत है, मतलब हर प्रोडक्ट की खासियत देखे हैं, माथे भी करता है। देखिए अब अभी तो आप यूज किए हैं, इसका डेमो भी जरिए भी लोगों को आप साबित कर सकते हैं कैसे। अब होता है कि जनरली हमारे पसीने से क्या होता है, आयोडीन निकलता है, ठीक है। तो मार्केट आयोडीन तो हम लोग पसीना तो इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके जगह पे ये मार्केट का जो आयोडीन टिंचर होता है, जिसको बेटाडीन भी हम लोग बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि इसकी कुछ बूंदे इसमें हम मिलाते हैं। चलिए ये बेटाडीन हो गया, इसको हमने 2 गिलास में मिला दिया, क्योंकि ये आयोडीन टिंचर के नाम से मार्केट के अंदर ये बिकता है। इसमें आपका साबुन हम लोग लगाते हैं 2 पर्पस है, कि गंदगी को साफ करे और बदबू को हटाए। इसमें से देखिएगा बेटाडीन का आपको स्मेल मिलेगा, स्मेल करके देखिए बेटाडीन गंध आ रहा है। अब जिस साबुन में डिओड्राइजर का काम करेगा तो पसीने के बदबू को हटाएगा, तो इसका गंदगी को बदबू को हटा देना चाहिए, इसके टॉक्सिन यानी जो इसका टॉक्सिन को भी इसको क्लियर करना चाहिए। जो ये मोदी केयर का है साबुन सॉफ्ट वॉश, इसको हम इसमें डाल देते हैं, और दूसरे में ये जो डब है इसको डाल देते हैं, और दोनों साबुन से हम नहाने का मौका देते हैं, देखते हैं कौन बढ़िया से गंदगी को और बदबू को साफ करता है। दोनों साबुन से नहाने के बाद किससे ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। जब तक ये काम कर रहा है तब तक एक प्रोडक्ट हम आपको और दिखाना चाहेंगे। अभी घरों में साफ सफाई के लिए देखिएगा कि लाइजोल का हम लोग यूज करते हैं, आज मैक्सिमम घरों में देखिएगा कि लाइजोल आपको मिलेगा, ठीक है। टीवी पे इसका प्रचार आता है और ये दावा करता है कि किल्स 99.9% जर्म्स, एंड इसे कहता है कि फर्श पर अगर पोछा लगाया जाए तो आपके फर्श पर का कहता है कि 99% जर्म्स बैक्टीरिया को हम क्लीन कर देते हैं। एक मार्केट का ब्रांड हो गया, और एक आपका अभी खुला नहीं है तो मेरा तो लगता है चाय में छुट गई, खुली है ना, इसे ऊपर नहीं खुली। उसके लिए एक सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं पश्चिम चंपारण में, जब खेती होती थी तो वहाँ का जम नील पहले पाउडर जैसा आता था, लेकिन जहाँ इसकी खेती होती थी वहाँ का जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगा। तो सरकार डिसीजन लिया कि नील की खेती को देश में बंद किया जाए, तो वो रोटरी में तैयार किया जाता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिससे नील बनता है। इसका हम क्या करते हैं कि कुछ बूंद इसमें हम ऐड करते हैं, एक बैक्टीरिया युक्त हम एक फर्श तैयार करते हैं। खत्म हो गया,
खुला नहीं, इसको खोल लीजिएगा। चलिए दो मिनट सभी काम चल जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि एक बैक्टीरिया युक्त माहौल हमने तैयार किया, दो घर का फर्श है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल बैक्टीरिया हमने मान लिया कि दो घर के फर्श पर मौजूद है। एक प्रचार में दिखाता है कि आधे बाल्टी पानी में दो ढक्कन डालिए और घर में पोंछा लगाइए, आपके घर का लिखता है कि 99.9% जर्म सब बैक्टीरिया को हम क्लीन करते हैं। अब इसका कुछ बूंद हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, चलिए इसका कुछ और पतला छेद करना चाहिए, मोटा छेद हो गया, चलिए बूंद बूंद गिर सके। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, कुछ बूंद इसमें हम ऐड करते हैं, छेद मोटा हो गया, गिर सके। चलिए 50-100 बूंद से ज्यादा हम इसमें इसको मिला दिए, लगभग आधा ढक्कन, तो सिर्फ नुकीला पॉइंट जो होता है ना उतना भर इसको घर में यूज कर लीजिएगा। हम आपको दिखाते हैं कि बहुत कम मात्रा, मतलब ये कंसंट्रेटेड होता है, अगर ये 100 बूंद डाले हैं तो हम लोग इसको 5 बूंद डालेंगे सफिशियंट है, इसकी बहुत, इसका हम आधा ढक्कन से ज़्यादा डाल दिए, लेकिन इसका हम कुछ बूंद इसमें हम मिलाते हैं। चलिए इतना भी बहुत हो गया, मतलब 5-10 बूंद गिन के बूंद से डालते हैं, ज़्यादा नहीं। दोनों फर्श पे हम लोग पोंछा लगाए, एक पे एक मार्केट वाले प्रोडक्ट से जो टीवी पे इसका प्रचार देख के लोग खरीद रहे हैं, और दूसरे पे ये मोदी केयर वाले प्रोडक्ट से। देखिए पानी जैसे था, उसका बैक्टीरिया का इफेक्ट जैसे खत्म हुआ, पानी जैसे था अपना कलर में आ गया, लेकिन इसके बैक्टीरिया के ऊपर ये कोई असर ही नहीं किया, जबकि इतना हल्का बैक्टीरिया होता है कि सूरज की रोशनी को भी बर्दाश्त नहीं करता, कपड़े में नील डाल करके आप इसको तेज धूप में छोड़ दीजिए, देखिए जहाँ जहाँ तेज धूप पड़ता है वहाँ वहाँ का पूरा सफ़ेद सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, इसीलिए छाया में हम लोग कपड़ा सुखाते हैं इसको डालने के बाद, ये वाला नील डालने के बाद, लेकिन ये इतने हल्के बैक्टीरिया को भी इसका असर नहीं होता है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल ब्रांड होता है उसमें BKC की मात्रा कम से कम 5% रहनी चाहिए कोई भी पोंछा लगाने वाली चीज़ में, लेकिन इसमें 5% भी नहीं होता है, जबकि हम लोग में 12% BKC की मात्रा है, जो इंटरनेशनल पैमाने की कंपनी तैयार की है, और काफ़ी ये कंसंट्रेटेड भी होता है, गाढ़ा होता है, इसकी मात्रा बहुत कम खर्च होती है। आप एक बार इसे पोंछा लगा दिए तो 24 घंटे तक ये प्रोटेक्शन देता है, होता है कि पोंछा लगने के बाद भी मान ली घर में पोंछा लग गया, अब फिर कोई बच्चा जूता चप्पल पहन के आ गया, कोई गेस्ट आ गया, हवा के थ्रू बैक्टीरिया आ सकता है, लेकिन इससे अगर पोंछा लगाए हुए हैं और कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया अगर आता भी है तो उसके असर को भी ये खत्म कर दे। देखिए इसे पोंछा लगा हुआ है, कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया इसके ऊपर अगर आएगा तो सुराने नहीं देगा, 24 घंटे तक आपका प्रोटेक्शन नहीं करेगा। कलर को नहीं मार रहा है, कलर जो आप रेड रेड देख रहे हैं इसका कलर आ रहा है, नहीं नहीं ये जो कलर है ना इसका कलर है, योल का ही कलर आपको दिख रहा है इसका। तो और प्रचार में ये दिखाता है कि कस्टमर कितना मूर्ख बनाता है, प्रचार में दिखाता है कि आधे बाल्टी पानी में दो ढक्कन मिलाइए और यूज करने का इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, तो लिखता है कि यूज अनडाइल्यूटेड, और कहता है कि नहीं नहीं पानी मत मिलाइए, डायरेक्ट कपड़े पे लीजिए और पोछा मारिए। बताइए कि अगर इसके इंस्ट्रक्शन अनुसार अगर डायरेक्ट पोछा मारना हो सिर्फ किसी से बिना पानी मिलाए घर में कितना लगेगा, संभव नहीं, 2 लीटर तो सूख लेता है, कपड़ा भिगाने में ही आपका तो संभव नहीं, बिना पानी कहाँ से लग पाए। लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से, लिखा है कि यूज अनडाइल्यूटेड, हाउ टू यूज में, यानी कहता है कि इसे पानी मत मिलाइए, डायरेक्ट कपड़े पे लेके तब आप यूज करिए। अब बताइए डायरेक्ट पोछा कर कोई मारेगा तो इतना संभव है, 170 रुपये लीटर आता है, 2 लीटर घर में खर्चा कर दिए तो 300 रुपये तो पोछा लगाने में खर्च करेगा, लेकिन इस पर भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से, इस पर कंपनी लिखती है ये 250 ml का डब्बा है और कंपनी कहती है कि 250 ml से 250 लीटर सॉल्यूशन आप पहले बनाइए, 1 लीटर पानी अगर यूज कर रहे हैं तो मात्र उसमें 1 ml ही मतलब यूज करना है, उसमें दिया हुआ है कि 250 लीटर सॉल्यूशन इसे आपको तैयार करना है, यानी 5 लीटर पानी यूज कर रहे हैं तो 5 ml आप उसमें आधा चम्मच डाल दीजिए सफिशियंट है 5 लीटर पानी यूज करने के लिए, तो आराम से 2-3 महीने घर में आप इसको यूज कर सकते हैं। और सिर्फ पोंछा लगाने में ही नहीं, ये किसी को अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है लगातार पोंछा लगा रहे हैं तो उसका एलर्जी भी सही हो जाएगा,
आप घर किचन वगैरह में कोई आपका छिपकली आती है या कॉकरोच आता है उसको स्प्रे कर दीजिए, उसका आना बंद हो जाएगा। कहीं चिट्टी आ रही घर में, मक्खी आ रही है, उसको स्प्रे कर दीजिए, उस चिट्टी मक्खी आना बंद हो जाएगा। यानी एक मल्टीपर्पज ही है, सिर्फ पोछा लगाने तो इसके अलावा बहुत तरह इसके फायदे मतलब है। तो इससे अगर हमको सस्ता भी पड़ रहा है, क्वालिटी भी बढ़िया मिल रहा है, लंबे समय तक चल भी रहा है हमको, धीरे धीरे आधे रेट पे, धीरे धीरे प्रोडक्ट हम अगर लॉयल्टी में आ गए तो हमको आधे रेट में पड़ेगा, 110 रुपये इसका आपका प्राइस, 50 रुपये पड़ेगा हम, प्लस सब्सिडी अकाउंट में जाएगा वो अलग। यही चीजें लोगों को अगर डेमो करके अगर दिखाया जाए तो आप देखिएगा तेजी से आपके कस्टमर की संख्या फिर बढ़ती है। अभी हम लोग देख लिए, दो साबुन से हम लोग स्नान कराते हैं, एक में डब साबुन है, एक व्यक्ति से स्नान किया, न तो इसके गंदगी को हटाया ना इसके बदबू को साफ कर पा रहा है, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग सोप है, सिर्फ मॉइस्चराइजर छोड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई इसका काम नहीं है। डब्बा पे भी लिखा रहता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम सोप, लेकिन एक कंपनी कहती है कि इसमें मॉइस्चराइजर के अलावा इसमें प्रोटेक्शन भी है, इसमें डिओड्राइजर भी है, अभी आपको दिखेगा। इस साबुन से स्नान किए, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम करता है, इसके टॉक्सिन को खत्म कर दिया, ये डिओड्राइजर है तो बदबू को नहीं रहने देगा। इसमें से देखिए अब सिर्फ साबुन का आपको खुशबू मिलेगा, जैसे इसमें बेडरिन का थोड़ा भी आपका आता पता नहीं मिलेगा। ये तो देख के ही पता चल रहा है कि इसकी स्थिति क्या है। साबुन कम यूज कर रहे हैं, साबुन और साबुन ये सब गलता भी कम है, पियर से यूज करते थे तो बने उसका जितना दोगो साबुन मार्केट वाला आप यूज करेंगे उतना ही एक साबुन गलता भी कम है, गलता भी कम है, लंबे समय तक चलेगा। आखिर मार्केट में जो बहुत है हम यूज कर रहे हैं, चाचा डब्बा ले आते कोई ऑर्डर में ऐसा साबुन बहुत है। और यकीन मानिए कि साबुन अगर सिर्फ कुछ लोगों को आप घर में पहुंचा दीजिएगा ना तो ये 10-2 करोड़ का जगह अपना जरूर बना ले। कितना जगह पे हुआ कि हम लोगों को साबुन हम लोग देके आ गए और उस साबुन के चलते लोग फिर बोलेगा और क्या क्या सामान है, दो डब्बा उठा के ले उठा के लेंगे, अच्छा साबुन अच्छा सा, पैसा तो जमा करो फिर ही मिलता, दो डब्बे उठा के लेंगे तो अब तो घर में रखना आपको छोड़ दिया, तो चढ़ा के रखो भाई। साबुन आपको यूज कीजिएगा ना, साबुन हम यूज कर रहे हैं तब बता रहे, हम यूज करके बता, बहुत बढ़िया